जब कभी भी आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप करके आपसे दूर चला जाता है ना, तो आप हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं, हर एक पॉसिबल कोशिश करते हैं उस एक्स को, उस पार्टनर को वापस लाने की। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करते हैं। आप नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाते हैं, आप ये दिखाते हैं आप कितना दुखी हैं, आप सॉरी भी बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी अपने एक्स की फ्रेंड से दोस्ती कर लेते हैं ताकि फ्रेंड को जेलसी हो और वो लौट आए। मीन्स जो भी आप कर सकते हो सब करते हो, बट एंड रिजल्ट क्या होता है, वो इंसान वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता, इतना कुछ करने के बाद कभी ये आपने सोचा है? देखिए दोस्तों, माना इंसान, जो लोग ब्रेकअप करते हैं वो कभी कभी ब्रेकअप के बाद पछताते हैं। मैनी टाइम आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद भी वो इंसान दोबारा लौट आता है पछताते हुए, अपनी गलती को एहसास करता है तो आपके पास में सॉरी बोलते हुए आता है। बट ये चीज़ें सबके साथ में नहीं होती और हमेशा नहीं होती। एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए माई फ्रेंड, अगर आपका जो प्यार था, जो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड था जिसने ब्रेकअप किया है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको अपने रिश्ते में ज़रूर देखनी है, अपने ब्रेकअप में ज़रूर देखनी है। जिन पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है, जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और जिनके दिल से आप उतर जाते हैं, जिनके दिल में से आपके लिए प्यार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, ऐसे पार्टनर ब्रेकअप के बाद कभी नहीं लौटते। वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अब आप उनके दिल में हैं ही नहीं, आप उनके दिल से उतर चुके हैं। तो जो इंसान आपको प्यार ही नहीं करता वो क्यों आएगा? उस पर क्यों फ़र्क पड़ेगा कि आप उससे बात कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसके दोस्त से बात कर रहे हो नहीं कर रहे, आप दुखी हो या खुश हो, उसको कभी भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे इंसान के लिए आपको जो करना है करो, जो चला गया वो चला गया, वो नहीं आएगा। लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल है कि सच में उसका दिल आपसे हटा है या नहीं हटा है, क्योंकि कभी कभी ये भी तो होता है कि जो दो लोग होते हैं रिश्ते में वो झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गी में फिर एक दूसरे को उल्टा बोलते हैं, नाराज़गी में बोलते हैं कि अब मैं तुझे प्यार नहीं करता या फिर प्यार नहीं करती, और इस वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं। तो कैसे जाने कि जो इंसान ये बोलकर गया है कि नाउ आई डोंट लव यू, वो सच में अब आपको प्यार नहीं करता या फिर वो सिर्फ गुस्से में बोल गया है? तो देखिए, इसको जानने के लिए आप कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं अपने रिश्ते में। सबसे पहली चीज़, अगर आप दोनों के बीच में बहुत लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, 2-3 महीनों से 6 महीने से कोई ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो किसी एक चीज़ की शिकायत कर रहा था आपसे बार बार, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। वो हो सकता है ये कहता हो कि आप मुझे टाइम नहीं देते, ये शिकायत हो कि तुम बदल गए हो, ये शिकायत हो कि अब तुम्हें कोई और पसंद आ गया है, इस तरह की कोई भी एक कंप्लेंट उसकी थी और बहुत लंबे टाइम से थी। 4-5 महीनों से वो एक ही चीज़ बार बार कहता था, आपसे लड़ता था, और उसके बाद ब्रेकअप हुआ है ना, तो इसका मतलब यही है कि वो थककर गया है और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अब आप उसके दिल से उतर गए हो। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो आप देख सकते हैं कि आपके रिश्ते में ब्रेकअप से पहले बहुत झगड़े होने शुरू हो गए थे। मतलब ये ब्रेकअप वो नहीं है कि 4 दिन का प्यार, फिर 2 दिन का झगड़ा और 3रे दिन ब्रेकअप, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा प्यार रहा था, उसके बाद बहुत लंबे टाइम से आपके बीच में तू मैं चल रही थी, बहुत लंबे टाइम से आप लोग परेशान थे उस रिश्ते में, आपका पार्टनर परेशान था। सिर्फ 1 या 2 महीने में या फिर अचानक से कुछ दिक्कत की वजह से उसने नहीं छोड़ा है आपको, बहुत लंबे टाइम से कुछ दिक्कतें चल रही थी तब जाके उसने छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब वो इंसान वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से आपको झेल रहा था, आपको समझा रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, जब उससे झेला नहीं ना तब उसने छोड़ा है। जो पार्टनर आपसे उस रिश्ते में रहते हुए बहुत लंबे टाइम से झगड़ा कर रहा था, बहुत लंबे टाइम से परेशान था, फिर उसने छोड़ा है ना, तो वो अचानक से लिया हुआ डिसीजन नहीं है। इस टाइम में आप धीरे धीरे उसके दिल से उतरे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, धीरे धीरे उसके जो बर्दाश्त करने की हद है वो टूटी है, फिर कहीं जाकर वो उस जगह पर आया है जहां उसने ये सोचा था कि अब नहीं हो सकता, अब मैं नहीं झेल सकती या फिर नहीं झेल सकता, फिर उसने छोड़ा है। और जो रिश्ते इस जगह पर आके टूटते हैं, वहाँ पर
पैचअप होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, पार्टनर के वापस आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। सो ऐसे रिश्तों में आप कितना भी एफर्ट करें आपका पार्टनर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिल से आप उतर चुके हैं। ऐसे रिश्तों में ऐसे पार्टनर को अगर आप जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं ना, तो बस एक ही तरीका है जो शायद काम कर जाए। सबसे पहले आप ये समझें कि आपकी गलती कहाँ पर थी और उसने ब्रेकअप क्यों किया है, क्यों उसका दिल आपसे हट चुका है, ऐसा आपने क्या कर दिया। उस गलती को ढूंढें और उस चीज़ को इम्प्रूव करें समझते हुए, अपनी गलती मानते हुए। उसके बाद आप उसके पीछे प्यार को लेकर ना घूमें, उससे एक मौका मांगे सिर्फ एज अ फ्रेंड। और अगर वो इंसान आपको एक मौका दे देता है लकीली, तो उस एक मौके में आपको ये साबित करना है, उसे ये प्रूव करना है कि आप अपने आप को अब सुधार चुके हो, बदल चुके हो। जो दिक्कतें उसको थी आपसे, वो दिक्कतें आपने ख़त्म कर दी हैं, अब आप ठीक हो चुके हो। तो जो भी उसको प्रॉब्लम थी अब उसको नहीं होने वाली, ये एहसास उसे करवाना पड़ेगा। जब उसको ये एहसास होने लगेगा तो पॉसिबिलिटी है, देखिए गारंटी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान फिर वापस आपके पास में आ जाए आपकी ज़िंदगी में। बट ये जो प्रोसीजर है ये टाइम लेगा, क्योंकि उस इंसान के दिल से आप उतर चुके हो। उसे दोस्ती करने के लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि प्यार खत्म हुआ है, उसका दिल टूटा है और वो बहुत दुखी है। वो इतना जल्दी तो आपको मौका नहीं देने वाला कि चुटकी बजाई और मौका मिल गया। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो आपको देखना है क्या आप में इतनी पेशेंस है कि आप उसे कितना चाहते हैं, उसके लिए वेट कर सकते हैं, उससे सॉरी बोल के इंतज़ार कर सकते हैं, अपने आप को सुधार के उसके आगे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो हो सकता है आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उसको वापस लेकर आने का। सो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है, तो एक बार ये जान लीजिए कि वो क्यों नहीं आ रहा। क्या पता आप उसके दिल से हमेशा के लिए उतर गए। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।